जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम कृपाल इंग्लिश स्टडी पे। दोस्तों आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 9। और दोस्तों इससे पहले 8 तक का जो एक्सरसाइज बन चुका है जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं या उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इसका वर्ड मीनिंग भी हम एक शॉर्ट वीडियो में बना चुके हैं, आप चाहे तो उसे भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएगा तो ये समझने में बहुत ही आसान होगा। दोस्तों एक्सरसाइज 9 जो है वो है चैप्टर जो है यूज ऑफ एम इज एंड आर पर है और इसी से है एक्सरसाइज 9। हम आपको जो है इसका एक ट्रिक देते हैं जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, फूल क्यों सुंदर होते हैं, ऐसा है क्या तुम गरीब हो, और आगे है जो है गाय नेक होती है, यानी तीन ट्रिक पर ये बन जाएगा। दोस्तों हम थ्री ट्रिक आपको देते हैं जिसे समझने में आपको आसान होगा। जैसे गाय नेक होती है तो इसके लिए आप कौन सा ट्रिक यूज कीजिएगा, दोस्तों लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, इसमें से कोई एक लीजिएगा और प्लस अदर वर्ड जो भी है ऑब्जेक्ट उसको डाल दीजिए। आगे है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि क्या गाय नेक होती है, क्या तुम गरीब हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एम इज और आर में से कोई एक पहले आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन साइन, दोस्तों क्वेश्चन साइन रहेगा। आगे अगर ऐसा है दोस्तों, फूल क्यों सुंदर होते हैं, पहला देख रहे हैं सेंटेंस है फूल क्यों सुंदर होते हैं, तो क्यों और कैसे दो ही इसमें आता है दोस्तों, तो क्या कीजिएगा, क्यों का होता है व्हाई, क्या होता है क्यों का होता है व्हाई और कैसे का होता है हाउ, तो ये पहले ला दीजिएगा, ठीक है, इसमें से कोई एक ले लीजिएगा और प्लस एम इज आर, एम इज और आर में से कोई एक ले लीजिए और इसके बाद डालिए दोस्तों सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड ओ डब्ल्यू आर, इसके साथ क्वेश्चन साइन डाल दीजिए। इसी तीनों ट्रिक पर दोस्तों ये सारा जो है बन जाएगा, हम आपको बारी बारी से बनाकर समझाते हैं। पहला है दोस्तों, फूल क्यों सुंदर होता है, तो फूल क्यों सुंदर होता है दोस्तों, तो इस ट्रिक पे बनेगा। यहाँ पे क्या है व्हाई और हाउ है ना, तो इसमें से क्यों है, क्या है यहाँ पे क्यों, तो हम क्या लेंगे व्हाई, व्हाई लेंगे पहले, व्हाई दोस्तों ये वाक्य जो है प्लूरल है तो एम इज आर में से हम क्या लेंगे आर लेंगे, व्हाई आर फूल का आप जानते हैं दोस्तों फ्लावर होता है और इसमें क्या करेंगे हम प्लूरल है तो फ्लावर्स लिख देंगे, एस लगा देंगे और इसके बाद सुंदर का लिख देंगे ब्यूटीफुल, इस तरह से दोस्तों अदर वर्ड, तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे व्हाई आर फ्लावर्स। ब्यूटीफुल बी ई ए यू टी आई एफ यू एल। आगे है दोस्तों, क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, तो दोस्तों ये जो है एम इज आर से शुरू होगा, क्या तुम गरीब हो, तो तुम के साथ जो दोस्तों आप जानते हैं कि आर यूज होता है तो क्या लिखेंगे आर, आर लिख देंगे यहाँ से आर और सब्जेक्ट लिखेंगे यू और पुअर लिख देंगे आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो। दवा कैसे लाभदायक होती है, तो कैसे है दोस्तों, तो पहले क्या लिखेंगे हाउ, क्या लिखेंगे हाउ, हाउ लिखेंगे और दवा है ये दोस्तों, दवा जो है सिंगुलर है, हाउ इज मेडिसिन मेडिसिन यूजफुल यू एस ई एफ यू एल यूजफुल और क्वेश्चन साइन देंगे दोस्तों। क्या तुम तैयार नहीं हो, आर यू नॉट रेडी क्वेश्चन साइन देंगे दोस्तों। क्या सांप सुंदर नहीं होता है, सांप दोस्तों यहां पे सिंगुलर है इसमें द लग जाएगा, क्या है पहले तो क्या जाएगा इज द स्नेक नॉट सुंदर का ब्यूटीफुल लिख दीजिए बी ई
BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। और क्वेश्चन साइन डाल दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। दूध क्यों उजला होता है, दूध क्यों उजला होता है, तो क्या लिखिएगा, क्यों का पहले लिखिए व्हाई, सिंगुलर है, इज लिखिए इज, और द नहीं लगेगा दोस्तों क्योंकि दूध जो है अनकाउंटेबल नाउन है। व्हाई इज मिल्क, और उजला का लिखिए व्हाइट, व्हाई इज मिल्क व्हाइट। आगे बढ़िए दोस्तों, वह क्यों गरीब है, वह क्यों गरीब है, तो लिखिए व्हाई इज ही पुअर, व्हाई इज ही पुअर, वह क्यों गरीब है। क्या रवि उदास नहीं है, इज लिखेंगे इज रवि। दोस्तों यहाँ पे नॉट भी आ गया है, तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या कीजिए, नॉट लगा दीजिए। इज रवि नॉट उदास का लिखिए सैड, इज रवि नॉट सैड। क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं, आर डॉग्स नॉट फेथफुल, फेथफुल लिखिए दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं फेथफुल, एफ ए आई टी एच एफ यू एल, फेथफुल। क्वेश्चन साइन लीजिए, क्या राज नेक है, क्या राज नेक है, इज लिखेंगे इज राज जेंटल, जी ई एन टी एल ई जेंटल। क्वेश्चन साइन दीजिए, गाय नेक होती है, गाय नेक होती है, तो लिखेंगे गाय है दोस्तों सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, लगाइए द, द काउ इज जेंटल। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं, ये प्लूरल सेंटेंस है, लिखेंगे आर से शुरू करेंगे, आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस लेबोरियस। क्वेश्चन साइन लीजिए, क्या चीनी मीठी नहीं होती है, क्या चीनी मीठी नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे, इज सुगर नॉट स्वीट, इज सुगर नॉट स्वीट। आगे बढ़िए दोस्तों, क्या साधु बुरे नहीं होते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, साधु बुरे नहीं होते, प्लूरल है, आर साधु का होता है दोस्तों सेंट, तो क्या कर देंगे सेंट्स लिख देंगे, आर सेंट्स नॉट बैड। राम कैसे तैयार नहीं है, राम कैसे तैयार नहीं है, तो कैसे का पहले लिखिए हाउ इज राम नॉट रेडी, तैयार का होता है दोस्तों रेडी। क्वेश्चन साइन दीजिए, आर ई ए डी वाई, बर्फ सफेद होती है, बर्फ जो है दोस्तों सफेद होती है, तो क्या लिखेंगे, आइस इज व्हाइट, फुल स्टॉप यहां दोस्तों। दोस्तों यहां पे द नहीं लगाएंगे क्योंकि जो है बर्फ जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए द नहीं लगाएंगे। भेड़िए खतरनाक होते हैं, तो क्या लिखेंगे, भेड़िए खतरनाक होते हैं, बहुत से प्लूरल है सेंटेंस, क्या लिखेंगे, वुल्फ्स आर डेंजरस। वुल्फ्स आर डेंजरस, भेड़िए खतरनाक होते हैं। आकाश नीला होता है, द स्काई इज ब्लू, यहाँ पे स्काई के साथ दोस्तों द लगाएंगे। सूर्य क्यों गर्म रहता है, व्हाई इज द सन
हॉट। क्वेश्चन साइन दीजिए, क्या संगीत मधुर नहीं होता है? क्या संगीत मधुर नहीं होता है? इज म्यूजिक नॉट मधुर का दोस्त होता है, स्वीट भी होता है और मेलोडियस भी होता है। क्या होता है दोस्तों? मेलोडियस या स्वीट, कोई भी लिखिए। स्वीट आगे है दोस्तों। क्या बच्चे भूखे नहीं हैं? तो क्या लिखेंगे? आर द चिल्ड्रेन आर द चिल्ड्रेन दोस्तों चिल्ड्रेन के साथ यहाँ द लगाएंगे। आर द चिल्ड्रेन नॉट हंगरी एच यू एन जी आर वाई हंगरी। क्वेश्चन साइन दीजिए, तुम लोग क्यों निर्दय हो? तुम लोग क्यों निर्दय हो? तो वाई लगाइए क्यों का पहले। वाई आर यू क्रूएल, मनुष्य मरणशील होता है। क्या लिखेंगे? मैन इज मोर्टल। सोना क्यों चमकीला होता है? तो क्यों का पहले लिखे दोस्तों। व्हाई इज गोल्ड ब्राइट बी आर आई जी एच टी। क्या आकाश नीला नहीं होता है? क्या है दोस्तों? तो इज पहले लगा दीजिए। इज द स्काई, इज द स्काई नॉट ब्लू। क्वेश्चन साइन दीजिए, क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है? क्या लिखेंगे दोस्तों? इज मैन नॉट मोर्टल एम ओ आर टी ए एल मोर्टल। क्वेश्चन साइन दीजिए, क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं? क्या आप लोग है दोस्तों? तो आर से शुरू कीजिए। आर यू नॉट ऑनेस्ट एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट। क्वेश्चन साइन दीजिए, मैं कैसे सही नहीं हूँ? कैसे का है दोस्तों? पहले कैसे का लिखिए हाउ और मैं है तो हाउ। एम से शुरू कीजिए। एम आई नॉट राइट, सही का होता है दोस्तों राइट, राइट लिखिए। क्वेश्चन साइन दीजिए, क्या तुम गलत हो? क्या तुम गलत हो? यू है तो यू के साथ दोस्तों आ जाएगा आर। आर यू गलत का दोस्तों होता है रॉन्ग। आर यू रॉन्ग? क्या हम लोग बुरे आदमी हैं? क्या हम लोग बुरे आदमी हैं? तो ये प्लूरल सेंटेंस है दोस्तों, लिखिए आर वी बैड मैन। क्या हम लोग बुरे आदमी हैं? आर वी बैड मैन। और यहाँ पे क्वेश्चन साइन दीजिए। और इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है 9 पूर्ण रूप से बन चुका है और हमें जानकर खुशी होगा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आया है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको लाल वाला बटन दिखाई देता होगा, आप उसे दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और इंग्लिश की बेहतर तरीका से तैयारी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।